धान खरीदी की व्यवस्थाओं को लेकर किसानों की शिकायतों के बाद सीएम बघेल ने मंत्रिमंडल उप समिति से रिपोर्ट मांगी है, जिसको लेकर बिलासपुर में मंत्रिमंडल उप समिति समीक्षा बैठक की गई। बिलासपुर में उप समिति के कृषि समिति में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने अधिकारियों की बैठक ली और धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। मंत्री चौबे ने चर्चा में बताया है कि सरकार अपनी घोषणा के तहत खरीदी पूरी करेगी, जरूरत पड़ी तो धान खरीदी की समय सीमा को भी बढ़ाया जाएगा। 1,00,000 करोड़ का हमारा बजट है, 20,000 करोड़ की धान खरीदी, 12,000 करोड़ का कर्जा माफ, लगभग 5,000 करोड़ की गरीबों का चावल और 1,000 करोड़ का बिजली बिल हाफ, 37,000 करोड़ तो हम लोगों ने गरीबों के खाते में डाले हुए, तो इससे और बेहतर परफॉर्मेंस आपको क्या मिल सकता है। आदरणीय सोनिया जी के साथ हमारी मुलाकात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जाएंगे और प्रदेश के जो विभिन्न और कार्यक्रम हम चला रहे हैं लगातार उनको अवगत कराएंगे। धान खरीदी केंद्रों में लगातार शिकायत की बात सरकार तक पहुंच रही थी, इसलिए मंत्रिमंडल की समिति ने दौरा करना शुरू कर दिया है। भूपेश, सरकार के कानों तक ये बात पहुंच गई कि किसान नाराज है, पंचायत चुनाव में इसका असर दिख सकता है। ऐसे में मंत्रिमंडल की उप समिति जिसमें रविन्द्र चौबे कृषि मंत्री, मोहम्मद अकबर खाद्य मंत्री और सहकारिता मंत्री प्रेम साय टिकाम शामिल है, इस समिति ने बिलासपुर के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया, अधिकारियों से कलेक्ट्रेट में चर्चा की और निर्देश दिया है कि अधिकार जो किसान है उनकी धान खरीदी को लेकर के कोई समस्या नहीं होना चाहिए। किसानों से समस्या सुनी तो कहीं किसानों ने यह बताया है कि उनको कुछ टोकन नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ने यह बताया कि बरसात सेट नहीं होने से बरसात में धान खरीदी में दिक्कत होती है।